हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महंत है। क्विक सक्सेस सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। रेकरिंग के पार्ट 3 में हम लोग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न के बारे में जानेंगे। जिन्होंने पिछले दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वे देख लेंगे। पार्ट 1 में मैंने बेसिक समझाए हैं और पार्ट 2 में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा किए हैं। तो चलिए कुछ और प्रश्न पार्ट 3 में देखते हैं। सातवें प्रश्न में आपके सामने दिए गए प्रश्न हैं 3, 4, 6, 7, और 6, 7 पर रेकरिंग है और हमको ऐड करना है 0.133, और इस पर जो है 3, 3 पर रैकरिंग है। तो जैसा कि हम पार्ट 2 में बता चुके हैं कि सारे नंबर को लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे 3, 4, 6, 7 है तो सारे नंबर को हम यहाँ लिख चुके हैं यहाँ पर। और जिस संख्या पर रैकरिंग नहीं है उसको इसमें से हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पर 3, 4 पर रैकरिंग नहीं है इसलिए 3, 4 हम यहाँ माइनस कर दिए हैं। और आगे हम ये भी बताए हुए हैं कि हमारे 6, 7 पर रैकरिंग है और 2 संख्या पर रैकरिंग है, इसका मतलब कि डबल नाइन हम जो है लिखते हैं। यदि 3 संख्या पर रैकरिंग होता है तो 3 हम 9 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम मैंने डबल नाइन लिख दिया है। और जिस संख्या पर रैकरिंग नहीं होता है उसका मतलब डबल जीरो हम लिख देते हैं। तो उसी तरह मैंने यहाँ पर हमने लिख दिया और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ लिख दिए। और दूसरे में 0.133333 पर है तो ये सारे संख्या को मैंने यहाँ लिख दिया और 1, 3 पर रैकरिंग नहीं है इसलिए उसको हम जो है माइनस कर दिए। और एज यूजल पहले की तरह ही हम जो है 9, 9900 लिख दिए। अब अगले स्टेप में इसको हम माइनस करते हैं तो 3, 4, 3, 3 आता है और नीचे में मेरा हर में वैसे ही आ जाता है। प्लस का है तो प्लस का साइन हम यहाँ दे दिए। उसी तरह 1, 3, 2, 0 ये मेरा माइनस करके आता है, नीचे में मेरा 9900 आ गया। अब हम जोड़ देते हैं तो देख रहे हैं कि मेरा हर में 9900 है और यहाँ भी हर में 9900 है। तो इसको हम एलसीएम के माध्यम से एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम जो है वो मेरा 9900 आएगा। और हम ऐड कर दिए तो मेरा 4, 7, 5, 3 आ गया। अब अगला स्टेप में हम ये करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है क्या कि हमको पता है कि जिस संख्या पर रैकरिंग होता है उसका मतलब डबल लाइन होता है और जिस पर रैकरिंग नहीं होता है उसका डबल जीरो होता है। जैसे यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है 3, 4, 6, 7 है तो यहाँ पर आपका 3, 4, 6, 7 पर 6, 7 पर रैकरिंग है तो हम सारे संख्या लिख देते हैं और जिस पर रैकरिंग है उसको माइनस कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पर जो है यदि हम ऐसा सोचें कि यहाँ 9900 है तो यहाँ पर ऐसा सोचे कि यहाँ मेरा ये 2 संख्या पर रैकरिंग होगा और 2 संख्या पर रैकरिंग नहीं होगा तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं। तो उसी तरह यहाँ इस नंबर को जो है 4, 7 को जो है हम 5, 3 में हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो मेरा संख्या हो जाएगा 4, 8, 0 0। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि यदि हम सारा संख्या को यहाँ लिख देते हैं और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर तो मेरा 0000 है, 0000 है तो 4, 8, 0000 4, 8 माइनस करते हैं। 4, 8, 0000 में जो है यदि 48 माइनस हम कर देते हैं तो मेरा नंबर जो है आ जाएगा आपका जो है 4, 7,
लेकिन यहाँ पर मेरा 4752 है, लेकिन मेरा यहाँ ये हम देख रहे हैं कि 4753 है ये मेरा, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो इससे हम क्या करते हैं कि हम एक 4800 में हम एक ऐड कर देते हैं, प्लस वन ऐड कर देते हैं, तो मेरा नंबर हो जाता है 4801, और इसमें से हम 48 माइनस कर देते हैं, तो मेरा नंबर जो है ये आ जाएगा 4801, और इसको पावर रेकरिंग। अब देखिए आठवें प्रश्न में जो है, आठवें प्रश्न में क्या है कि 3.87 87 पर मेरा जो है वो रेकरिंग है, माइनस हमको करना है 2.59, और यहां पर 59 पर मेरा रेकरिंग है। तो यहां पर हम ये हमको पता है कि ये 3 मेरा जो है वो हॉल नंबर है, यहां पर मेरा 2 जो है मेरा ये हॉल नंबर है, तो 3 में से 2 यदि हम माइनस कर देते हैं तो मेरा नंबर आ जाता है 1। एक स्टेप हो गया मेरा जो है वो। दूसरे स्टेप में जो है मेरा यहां पर जो है 87 पर पावर रैकरिंग है, और यहां पर 59 पर पावर मेरा जो है वो रैकरिंग दिए हुए है, तो हमको यहां चेंज करने का जरूरत नहीं है। यहां हम देख रहे हैं कि मेरा 87 ज्यादा है और 59 कम है, तो हम यहां पर जो है वो ऐसे ही माइनस कर देते हैं। 87 में 59 यदि हम माइनस कर देते हैं तो मेरा जो है वो 28 आ जाता है, और यहां पर तो मेरा 1 है ही, यहां डेसिमल है तो डेसिमल यहां हम लिख देते हैं, और यहां देख रहे हैं कि ऊपर 2 रेकरिंग है, बस यहां पर हम जो है वो रेकरिंग का चिन्ह डाल देते हैं। नौवे प्रश्न में क्या है कि नौवे प्रश्न में आपका है कि यहाँ हॉल नंबर पर रेकरिंग दिया हुआ है, यहां पर जो है 2 है, 2 पर मेरा रेकरिंग दिया हुआ है और 3 पर मेरा रेकरिंग दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा हम इसके बारे में हम चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन पहले की ही पीछे गए प्रश्न में ही जो है उसी तरह का है। यहां पर हॉल नंबर पर रेकरिंग दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस में है, ये देखिए आप सामने यहां पर जो है वो दिया हुआ है, यहां पर -2 मेरा हो गया यहां पर जो है वो, और जैसे 0.75 है वो 0.75 लिख दिए, चूंकि यहां दशमलव दिया हुआ है तो हम प्लस में हम जो है इसको चिन्ह लिख देते हैं। उसी तरह 3 पर रैकरिंग है तो इसका मतलब -3 हो गया, और प्लस 0.78 हम लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, इसको हमको जोड़ देना है, तो यहां 8 और 5 13 हो गया, और 7 और 7 14, और 1 15 हो गया, 1515। और यहां पर जो है ये मेरा -2 है और -3 है, ये मेरा जो है वो -5 हो जाएगा, और यहां पर अब क्या करते हैं कि यहां पर मेरा ऊपर में मेरा 2 ही डिजिट है, यहां भी मेरा 2 ही डिजिट है, तो ये हम 2 ही डिजिट रखेंगे और एक इसमें से जो है वो इधर चलाएगा, क्योंकि यहां प्लस है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो मेरा संख्या हो जाएगा, अब मेरा संख्या हो जाएगा -5 है, -5 में +1 चला जाएगा तो मेरा -4 हो जाएगा, और पॉइंट है तो पॉइंट यहां हम दे देते हैं, और मेरा 5 3 मेरा आ गया यहां पर जो है, ठीक है। और चूंकि यहां पर -4 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पर पावर रेकरिंग हम कर देते हैं, पॉइंट जो है वो मेरा 5 3 हो जाएगा। अब देखिए दसवें प्रश्न में क्या है, दसवें प्रश्न भी जो है वो नौवें प्रश्न की तरह ही है, सॉरी दसवें प्रश्न जो है मेरा वो जो है वो आठवें प्रश्न की तरह ही है। अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर देख रहे हैं कि मेरा ये 5 हॉल नंबर है ये मेरा, और इसमें माइनस करना है हमको ये नंबर को, तो 5 में से पहले हम यहाँ जो है वो 2 को माइनस कर देते हैं, तो मेरा यहाँ पर जो है वो 3 आ जाता है। अब यहां पर मेरा 7 6 है, 7 6 है और यहां पर 3 3 है,
तो बस 7 6 में से 3 3 माइनस कर देते हैं तो मेरा जो है वो 4 3 हो जाता है, और इसको हम रेकरिंग हम दे देते हैं, ये मेरा आंसर हो गया। 11वें प्रश्न में जो क्या है कि 11वें प्रश्न में जो है 0.63 पावर रेकरिंग है और इसको हमको प्लस करना है 0.37 को जाए। तो बस अब काफी आसान है, बस इसका मतलब 99 होता है, इसका मतलब भी जो है इस ये 0.63 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 99 हो गया और यहाँ पर भी रेकरिंग 99 हो गया, और इसको हम जो है लिख करके हम ऐड करते हैं तो मेरा आ जाएगा 99, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये मेरा ईएन नंबर आ जाएगा, और ये दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे तो मेरा ये मेरा 100 आ जाएगा, और चूंकि दो डंक का डिजिट रहते हैं मेरा ये यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम करेंगे तो मेरा 100/99 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। 12वें प्रश्न में जो है ये दिया हुआ है कि ब्रैकेट में दिया हुआ है कि 0.11 पर पावर रेकरिंग है प्लस 0.22 पर पावर रेकरिंग है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो सबसे पहले हम जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा 99/99 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा वो जो है 22/99 हो जाएगा, और ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ब्रैकेट में दिया हुआ और इंटू 3 यहाँ पर जो है वो लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 33/99 और इंटू 3 है तो 3 हम यहाँ जो है लिख देते हैं, और ये मेरा जो है कट गया 3 बार में, और ये मेरा जो है 3 3 से कट गया तो मेरा आ जाएगा 1 1, आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।